और बाबा है उससे एगो कहावत कस कि दाए पाकोड़ बाए बोर, दाए पाकोड़ बाए बोर, आ हम कहम कि बनल रहो दोनों घर। तो आज हम रिव्यू करे वाला बानी फिल्म पति पत्नी और भूतनी। तो नमस्कार, हम बानी जीत कुमार। तो चलिए हमने के रिव्यू चालू करे से पहले एगो काम कर लिया जा, अगर चैनल बनाए बानी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संग मित्र और दर दयास संग भी एकरा के शेयर कर जी, जना फिल्म के नाम बा पति पत्नी और भूतनी। दरअसल ए फिल्म के हमने के पहले कहानी जानल जी। अब कहानी कहाँ जानल जी, ए फिल्म में कहानी नाम के कोनो चीज नहीं खे। अब सही सुन तनी, ए फिल्म में कहानी नाम के कोनो चीज नहीं खे। कहाँ है कि हमको याद पड़ रहा, जब हमने के छोट रहनी जा तो घर के लोग जब कथा कहानी कहे ना, सेम ई फिल्म में वही तरह के कहानी बटे। हाँ, जैसे भूत उत पिशाच के अक्सर आदमी कहानी कहेला, सेम वही बटे। दरअसल फिल्म के कहानी ई बटे कि एगो लड़का रहत बा जौन कि ब्याह खातिर काफी व्याकुल रहत बटे। ओकरा मतलब आस पास पड़ोस में मतलब बेरोजगार और निठल्ला और मतलब चेहरा से भी बदसूरत ए लैकन के सब के ब्याह होता। अब ए बुड़बक के ब्याह नहीं हो पाओत। अब ई मतलब भोले बाबा के बहुत ज़्यादा मतलब पुजारी रहते रहन, और मतलब 16 तक या 18 गो सोमवारी के व्रत करते रहन, और हर एक चीज़ उ करते रहन जोड़ा से कि इनकर ब्याह हो जा। अब एक दिन इनकर व्याकुलता इतना बढ़ जाता कि कहते रहन कि हे भोले बाबा हमार सुन बना का। और जैसे ही मंदिर से बाहरी निकलत रहन, इनकरा के मिल जाती है एगो बहुत ही खूबसूरत लड़की जेकर नाम बा महिमा गुप्ता। तो महिमा गुप्ता एमें एक्चुअली भूत रह तरी, लेकिन ई नहीं जानत रहतरन कि वो भूत रह तरी। अब इनकरा प्यार होत बा। अब घरे पहुँचत तरन तो घर के लोग भी फोटो लेके एगो लड़की के व्याकुल रह तटे कि देख तोर ब्याह एक होके वाला बटे। तो ये लोग ई सोचतन कि अरे यार इन्हें प्यार भइल ना, इन्हें हनी के पता कहे चल गुल। लेकिन जब ई देखत रहन तो ई ओकरो ले खूबसूरत यानी रिछा जैसे रह तरी। अब आसानी से ओकरा के भुला के ई इनकरा से ब्याह कर तरन। अब जब ब्याह कर लेतरन और सुहाग रत मनावे जात बड़न, वही जो होत बा सबसे बड़ा खेल तांडव, यानी इहो भूतनी उहो भूतनी। मतलब उस सुहागरात के दिन पहुँच जाते रही और कह दे क्या पहले ही हमसे प्यार करे रहे, ये लिए हमार पति है, और वो कह दे ना ब्याह हमारा से भैल बा तो हमार पति है। बस यही के नोक झोंक चलत बटे। अब अंत में का होत बा, दोनों तो इनके मेहरारू भूतनी रह तरी सब। अब केकरा कहीं रह जहन, केकरा कहीं ना रहन, या दोनों अदृश्य हो जहन जा। अब ओकरा खातिर जब पूरा फिल्म आई तो पता चली। तो ई बाटे टेलर के पूरा कहानी। अब हमने के बात कर लीजिए एफ टेलर के थोड़ा सा गीत संगीत के। तो देखिए कुछ गीत संगीत फिल्मी अंदाज में बटे और कुछ वही एल्बम या फ्लो से लिहल गुल बटे। अभी कुछ भी नया बदल नहीं पाओ, देखत नहीं कब तक बदलेला। बाकी फिल्म में एक्शन नाम के उतर के कुछ भी चीज़ नहीं दिखत। हाँ, इंटरटेनिंग कॉमेडी टाइप के फिल्म बाटे। बहुत ही लंबा फिल्म एक करके ना बनावल जा सकत रहा है। अब देख बटे कि फिल्म कितना घंटा के बनल हुई, काहे कि ट्रेलर में तो भाई अब कैसे बता सकल कि फिल्म को घंटा के बनल हुई। बाकी ए फिल्म के निर्देशक नीलमणि सिंह एगो हल्का के कंसेप्ट पर भोजपुरी के पूरा फिल्म बना दिल बनी। अब दर्शक के कितना पसंद आई कितना ना, हम सोच के भी अजीब और गजीब लागत बा। बाकी फिल्म के निर्माता बानी देव तिवारी, और ए फिल्म के अगर देखी जाए स्टार कास्ट में यश कुमार और ऋचा दीक्षित और महिमा गुप्ता, ये तीनों जना के बीच के जौन कम्बिनेशन दिखाई दे रहा बटे वो एगो कॉमेडी टाइप के कम्बिनेशन बटे। देखला पर थोड़ा बहुत हंसी भी आ सकेला। हाँ, मेकिंग इतना कमजोर बटे कि साउथ के फिल्म जैसन आ भूतिया टाइप के मेकिंग नहीं है, एकदम से हल्का फुल्का मेकिंग दिखाई दे रहा बटे। अब हल्का फुल्का में अब हल्का फुल्का मज़ा आई, पूरा तो मज़ा आई ना, बात बा ना भाई। बाकी स्टार कास्ट में यश कुमार, ऋचा दीक्षित, महिमा गुप्ता, सीपी भट्ट, संजय वर्मा, सोनिया मिश्रा, श्रेया राय, दीप्ति तिवारी फिल्म के स्टार कास्ट में बाढ़ जाए। बाकी रिव्यू में बस इतना ही। लोगों के रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और देखत रहें न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी राम जीत।